हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एनसीईआरटी टीचिंग जोन। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास फिफ्थ की एनसीईआरटी इंग्लिश बुक मैरी गोल्ड की यूनिट फर्स्ट का चैप्टर वंडरफुल वेज के क्वेश्चन आंसर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर लिया है विद वर्ड मीनिंग, तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर। तो पैलेस में किस चीज़ की प्रिपरेशन हो रही थी। देयर वर प्रिपरेशन फॉर अ ग्रैंड फीस्ट इन द पैलेस। तो जो पैलेस था, जो कि राजमहल था, वहाँ पर एक बहुत बड़े भोज की, यानी कि बहुत बड़ी दावत की तैयारियाँ हो रही थी। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई डिड द महाराजा गो इन टू द किचन इन द आफ्टरनून। तो क्यों महाराजा किचन में गए थे आफ्टरनून के बाद, क्यों गए थे। द महाराजा वेंट इन टू द किचन इन द आफ्टरनून टू मेक अ सर्वे ऑफ द डिशेज बींग प्रिपेयर फॉर द फीस्ट। वो ये देखने के लिए गए थे कि दावत के लिए कौन कौन सी डिशेज, कौन कौन से व्यंजन तैयार हो रहे हैं। देखिए अगला है, व्हाट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स। तो जो कुक था, उसने उस वेजिटेबल स्क्रैप के साथ वो क्या करना, उसके साथ उसने क्या करने की सोची थी। तो देखिए इसका आंसर होगा, द कुक हैड प्लान टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप। तो कुक ने सोचा कि वो इन वेजिटेबल स्क्रैप, जो सब्जियों के छिलके हैं, उनको वो फेंक देगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट आर यूज्ड टू मेक अ डिश, सर्कल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एवियल इन द बॉक्स बिलो। तो देखिए यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स दिए गए, यानी कि कुछ चीज़ें दी गई हैं जिनका यूज, जो एवियल जो डिश है उसको बनाने के लिए दिया गया था इस बॉक्स में। तो आपने क्या, उनको सर्कल करना है जिस जिसका यूज उस डिश को बनाने में हुआ था। तो देखिए, तो सबसे पहले है चिलीज, चिलीज का यूज़ हुआ था, ग्रीन चिलीज का। उसके बाद ग्राउंड नट का नहीं हुआ था, वुड का नहीं होता, वेजिटेबल स्क्रैप का यूज हुआ था, इसको सर्कल कर लेंगे। और कोकोनट का यूज हुआ था, इसको भी सर्कल कर लेंगे। रोस्टेड पीनट का यूज़ नहीं हुआ था, कर्ड का यूज़ हुआ था, और उसके अलावा गार्लिक का यूज हुआ था, लहसुन का, और लास्ट में उसमें हुआ था करी लीव्स का। तो इन सभी चीज़ों का यूज किस में हुआ था, हमारे जो एवियल जो डिश बनी थी उसको बनाने में इन सभी चीज़ों का यूज हुआ था। अब देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर फाइव, स्टेट व्हेनेवर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। देखिए यहाँ पर जो सही है उसके आगे ट्रू करना है, जो गलत है उसके आगे हमने फॉल्स करना है। देखिए सबसे पहला है, द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस। तो किंग ने आदेश दिया था कि उनके पैलेस में, महल में कोई डिनर होगा, हाँ, तो उन्होंने कहा था, तो उसके लिए हम यहाँ पर ट्रू कर लेंगे। अब देखिए, नो वन हैड हियर्ड ऑफ द टेस्टेड हियर्ड ऑफ और टेस्ट एवियल बिफोर, यानी किसी ने ना ही एवियल के बारे में उससे पहले सुना था, ना ही किसी ने उसको कभी टेस्ट किया था। ये ट्रू है फॉल्स, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि वो डिश ही उस दिन बन के तैयार हुई थी, तो यहाँ पर भी हम ट्रू कर लेंगे। देखिए नंबर थर्ड है, द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप। तो जो कुक था वो कोई दूसरी डिश बनाने का प्लान कर रहा था, ये बिल्कुल गलत है, फॉल्स है, वो उन्हें फेंकना चाह रहा था। तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, इसमें हम फॉल्स कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है नंबर वन, अ रेसिपी इज अ लिस्ट ऑफ डायरेक्शन टू प्रिपेयर अ डिश। द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर नॉट इन ऑर्डर फॉर प्रिपेयरिंग एवियल, नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पर देखिए जो रेसिपी है वो क्या, स्टेप बाय स्टेप बनती है। तो ऐसी जो एवियल डिश है उसको बनाने के लिए कुछ यहाँ पर स्टेप दिए गए हैं, जो कि जिनको हमने नंबरिंग से उनको सही तरीके से अरेंज करना है। देखिए जैसे नंबर फर्स्ट में उन्होंने कर रखा है, वॉश एंड क्लीन द मिक्स वेजिटेबल बीज। सबसे पहले उन्हें धोया, उन्हें साफ किया, उसके बाद उन्होंने नंबर टू में क्या किया था, कट द वेजिटेबल स्क्रैप इन टू लॉन्ग स्ट्रिप, तो उनको लंबा लंबा करके काटा था। फिर नंबर थ्री में उन्होंने क्या था, ग्राइंड सम कोकोनट ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक। तो नंबर थ्री में उन्होंने क्या किया था, टू में उन्होंने कट किया था, देखिए टू में कट किया था, थ्री में उसको उन्होंने ग्राइंड कर लिया था। देखिए उसके बाद उन्होंने क्या था, विप सम कर्ड एंड मिक्स इट इन। तो नंबर फोर में उन्होंने उसको क्या किया था, कर्ड को मिक्स किया था, और नंबर फाइव में उन्होंने किया था, प्योर सम कोकोनट ऑयल ऑन टॉप, उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर कुछ कोकोनट ऑयल डाला, और नंबर सिक्स में उसको डेकोरेट कर दिया विथ करी लीव्स, और लास्ट में नंबर सेवन में क्या, एवियल इज रेडी। तो एवियल जो थी रेडी हो गई। तो ऐसे हमने उनको नंबरिंग देनी है। अब देखिए अगला है, गिवन इन द बॉक्स आर सम थिंग्स दैट चिल्ड्रन टू डू आफ्टर दे रीच होम फ्रॉम स्कूल। देखिए कोई चीज़ें हैं जब बच्चे स्कूल से घर आते हैं, तो
तो उन्हें स्टेप बाय स्टेप करते हैं. चूज फाइव थिंग्स डैट यू डू व्हेन यू रीच होम फ्रॉम स्कूल, राइट देम इन द ऑर्डर. तो आपने उनमें से कोई पांच चीज़ें सेलेक्ट करनी है जब आप स्कूल से आते हैं, और उसके बाद उनको ऐसे यहाँ पर नंबरिंग से कर लेना है. जैसे कि अगर आप सबसे पहले स्कूल से आएंगे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, स्कूल से आने के बाद कहेंगे पुट अवे द बैग. तो सबसे पहले आप जैसे इसको नंबर वन यहाँ पर लेंगे, फर्स्ट आई पुट अवे द बैग, अपने बैग को उतार के रखेंगे. एंड देन आई, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, चेंज आउट ऑफ यूनिफॉर्म, अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को चेंज कर दे होंगे. नेक्स्ट आप क्या करते होंगे, वॉशअप, हाथ मुंह जो धो लेते होंगे, नंबर थ्री ऐसा कर सकते हैं. उसके बाद हैव अ लंच कर लिया, ये करते हैं. या फिर आफ्टर डैट आई चैट विद द मम्मी, अगर मम्मी से बात करते हैं तो मम्मी का लिख लीजिएगा यहाँ पे अगला, अगर आप करते हैं. या फिर अगर आप थोड़ी देर सोने चले जाते हैं तो वाइल फॉर स्लीप, स्लीपिंग थोड़ी देर सोने चले गए. या फिर खेलने चले जाते हैं तो आप लिख सकते हैं कि गो टू प्ले. अगर टीवी देखते हैं तो टीवी कर सकते हैं. फाइनली डू द होमवर्क, लास्ट में अपना होमवर्क कर लेते हैं तो यहाँ पर वो लिख सकते हैं. तो ये आपने अपने हिसाब से इनको रीअरेंज करना है कि आप कौन कौन सी एक्टिविटी घर आने के बाद करते हैं. अब देखिए नेक्स्ट है, लेट्स टॉक. द महाराजा वॉज अ वॉइस मैन एंड ऑर्डर्ड द कुक टू यूज द वेजिटेबल स्क्रैप इंस्टीड ऑफ थ्रोइंग देम अवे. तो महाराजा क्या थे, एक बहुत ही बुद्धिमान आदमी थे. उन्होंने क्या किया, उन वेजिटेबल की जो सब्जियों के छिलके थे उनको फेंकने के बजाय उसका यूज़ करने का उन्होंने सुझाव दिया. तो ऐसे ही आपने बताया, द नेम सम ऑफ द थिंग्स विच आर थ्रो अवे एट होम और इन स्कूल. तो कुछ चीज़ों के नाम बताइए जिनको आप स्कूल से बाहर फेंक देते हैं. जैसे कि आप घरों में कोई प्लास्टिक की बोतल्स होंगी, या फिर कोई रैपर्स होते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ें जिनका यूज़ नहीं होता है घरों में, तो उनका आपने बताना है. और या फिर उनको सीट इन अ ग्रुप फॉर ऑफ फोर, अब चार चार के ग्रुप में बैठना है. एंड थिंक ऑफ इंटरेस्टिंग वे इन द विच दे कैन बी मेड यूजफुल. उसके बाद उन चीज़ों का आप कोई ऐसी अच्छी यूजफुल चीज़ बना सकते हैं तो उसके बारे में आपने सोचना है. जिसके घरों में बहुत सारे आपने देखा वेस्ट मटीरियल की बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, तो वो चीज़ें आपने सोचना है कि आप किस वेस्ट मटीरियल को कैसे यूज कर सकते हैं. और उसके बाद लास्ट में उसे पुट अप योर फाइंडिंग्स ऑन द क्लासरूम बोर्ड, और आपने जो कुछ बनाया उसको अपने क्लासरूम बोर्ड में उसे डिस्प्ले कर सकते हैं. अब देखिए नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग. इसमें देखिए पेयर्स वर्क, कुछ पेयर में वर्क करना है. सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके एक से ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉइंट, पॉइंट क्या है, इसका जो मीनिंग है नाउन के तौर पे देखें तो अ डॉट इन अ प्रिंट और राइटिंग. जब हम कभी लिखते हैं तो वहाँ पर यू डॉट का यूज़ करते हैं, उसे भी हम पॉइंट करते हैं. जब हम फुल स्टॉप लगाते हैं उसे भी हम पॉइंट की तरह यूज़ करते हैं. डेसिमल होता है मैथ्स में, आपने देखा होगा हमेशा डेसिमल का यूज़ है, वो भी यूं ही पॉइंट होता है. और द नंबर यू स्कोर इन द गेम, अगर आप कोई गेम खेलते हैं उसमें कोई नंबर आते हैं उसको भी हम पॉइंट ही बोलते हैं. अगर हम वर्ब की बात करें पॉइंट की, तो वो होगा टू शो और कॉल अटेंशन और समथिंग, यानी कि किसी को पॉइंट आउट करना. आप किसी के बारे में बात करें तो उंगली लगा के बात करेंगे, तो पॉइंट करके बात कर रहे हैं. तो यही कह रहा है कि किसी को अटेंशन देना या फिर किसी के बारे में कोई बात करना. तो ऐसे देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं जिनको हमने नाउंस और उनके वर्ब दोनों बताने हैं कि उनकी मीनिंग क्या है, उनके एक्शन वर्ब क्या है. जैसे कि ग्राउंड का आपने देखा था, ग्राउंड क्या थी, ग्राइंड की सेकंड फॉर्म भी थी. और ग्राउंड जमीन को भी ग्राउंड कहते हैं. और उसका क्या है, जो वर्ब है वो ग्राइंडर होता है, आपको बताया. तो ऐसे देखिए हमने कुछ इनके नाउंस और उनके वर्ब्स हमने करे हुए हैं. तो देखिए जैसे सबसे पहला था ग्राउंड का, हमने देखिए सरफेस ऑफ ग्राउंड यानी जमीन. और देखिए वर्ब था हमारा क्रशिंग इनटू पावर, यानी कि ताकत के साथ किसी को क्रश करना, ग्राइंड करना. सर्वे का था जैसे कि शॉर्ट समरी, किसी के बारे में बिल्कुल शॉर्ट के बारे में बताना, सर्वे करना. वर्ब था टू लुक केयरफुली, किसी को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना. स्क्रैप था वेस्ट मटेरियल, या फिर टू थ्रो या उसे फेंक देना. स्टर्नली हार्ड या फिर हार्डली. वर्ब क्या होगा, इन अ सीरियस वे. और टेम्पिंग का था अट्रैक्टिव या फिर हम कहेंगे टू इन्वाइट. तो हमने इनके वर्ब और नाउन्स का हमने इसमें को फिल कर लिया है. अब देखिए नेक्स्ट है मेक अ न्यू वर्ड बाय एडिंग ड्रॉपिंग अ फ्यू लेटर्स फ्रॉम द रूट वर्ड. सम आर डन फॉर यू. देखिए यहाँ पे हमने कुछ वर्ड ऐड करने हैं, कुछ ड्रॉप करने हैं. जैसे पाउंड में हमने ई एड करके, ई एड इसमें ऐड होगा, आई एन जी ऐड होगा तो उसे पाउंड पाउंडिंग होगा. तो इसमें देखिए ई आर ई एस टी का यूज़ नहीं होगा, जिसके अंदर वो यूज़ नहीं होगी उसके आगे उन्होंने क्रॉस किया हुआ है. और ऐसे हमने ये सारे वर्ड को उनकी इनकी फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लेना है. देखिए जैसे हमने पाउंड में ऐड किया था तो वो हो गया था हमारा, पाउंड का हो गया था पाउंडेड पाउंडिंग. ट्राई का ट्राई ट्राइंग. लार्ज का हो गया लार्जर लार्जेस्ट.
न्यू का देखिए न्यूअर न्यूएस्ट, टेस्टी का देखिए टेस्टी में चारों फॉर्म्स आ गए, टेस्टेड टेस्टिंग टेस्टियर और टेस्टीएस्ट, और ऐसी वॉइस का है वॉयस वॉइसर और वॉइस्ड, स्टेयर का स्टेयर्ड स्टेइंग, क्लीन का क्लीन्ड क्लीनिंग क्लीनर्ड और क्लीनेस्ट। तो ऐसे देखिए डू एनी ऑफ दीज वर्ड यूज ऑल फोर एंडिंग, तो दो वर्ड कौन थे, एक तो टेस्टी था देखिए और दूसरा था हमारा क्लीन, जिनके चारों फॉर्म में हमने लिखा हुआ है। अब देखिए लास्ट में है फाइंड आउट नेम फूड डैट इज मेड इन योर होम, अब उस फूड का नाम लिखना है जो आपके घर में बनता है, कब, फॉर अ फीस्ट एंड फेस्टिवल, फेस्टिवल में आपके घरों में कौन कौन सा खाना बनता है, जैसे कई लोग खीर बनाते हैं पूरी बनाते हैं, तो जो भी आपका खाना आपके घरों में बनता है ट्रेडिशनल, जो भी आपकी बनता है आपकी डिश वो आप लिख सकते हैं। व्हेन यू आर अनवेल, जब आप बीमार होते हैं तो ज़्यादातर लोग खिचड़ी बनाते हैं या फिर दलिया बनाते हैं, तो उसका नाम लिखिए। और एवरी डे रोज़ आपके घरों में क्या बनता है, दाल चावल सब्जी रोटी जो भी बनता है उसका नाम आपने यहाँ पे फिल करना है। अब देखिए यहाँ पे लिखना है एवियल इज अ डिश मेड इन केरला, देखिए एवियल क्या केरला की डिश थी जो बनी थी। डू यू हैव अ सिमिलर डिश इन योर स्टेट मेड फ्रॉम अ मिक्स ऑफ मैनी वेजिटेबल, अब देखिए ऐसी आपने अपने स्टेट की एक डिश बतानी है जिसमें बहुत सारी वेजिटेबल का यूज़ होता है, जैसे कि हमारे यहाँ व्हाट इज़ कॉल्ड, हमारे यहाँ जैसे कि पुलाव का यूज़ होता है, आपके यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो आप पुलाव लिख सकते हैं या फिर आपके यहाँ जो भी यूज़ होता है उसका नाम आप लिखिए, उसमें बहुत सारी सब्जियाँ पड़ती हैं। नोट डाउन द इंग्रेडिएंट्स यूज टू मेक, उसके बाद उसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, जैसे पुलाव में राइस पड़ता है, ऑयल होता है, वेजिटेबल्स होती हैं बहुत सारी, और उसमें जो भी गर्म मसाले पड़ते हैं तो उनका नाम आप लिख सकते हैं। और राइट डाउन द रेसिपी, और कैसे कैसे उसको बनाते हैं उसकी रेसिपी, और प्रेजेंट एक्टिविटी एंड डिस्प्ले ऑन द क्लास बोर्ड, यू कैन ड्रॉ एंड स्टिक पिक्चर टू, अब आप उसको अपने क्लासरूम में उसको डिस्प्ले कर सकते हैं कि कैसे कैसे हमने उसकी रेसिपी और कैसे उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज उनके बारे में, और उस डिश का फोटो भी वहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर वंडरफुल वेस्ट, आई होप आप सभी को चैप्टर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।